आज हम बात करने वाले हैं इतिहास ऑफ C++ के बारे में कि C++ की हिस्ट्री क्या बोलती है, किसने डेवलप की थी, कब डेवलप हुई, कहां पे डेवलप हुई। C++ वाज डेवलप्ड इन 1979 और डेवलप किया था बर्जिनो स्ट्रोस्ट्रप ने। द नेम ऑफ दिस पर्सन जिन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था बर्जिनो स्ट्रोस्ट्रप। ये हम C++ को डिफाइन करते हैं तो आप देखिए एक्चुअली हम C++ को क्या बोलते हैं। C++ इज इक्वल टू C विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन C++ एंड VC++। C++ जो है इट इज बेसिकली अ कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाइल VC++ इज अ ग्राफिकल विजुअल C++। कि जब ग्राफिकल एप्लीकेशन की बात होगी सो विल गो फॉर विजुअल C++। व्हाई इट इज कॉल्ड C++ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन C, और इस ऑपरेटर के कारण हम इस लैंग्वेज को बोलते हैं C++। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटाफ्लेयर C++ के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं इतिहास ऑफ C++ के बारे में कि C++ की हिस्ट्री क्या बोलती है, किसने डेवलप की थी, कब डेवलप हुई, कहां पे डेवलप हुई, एंड द मेन रीजन, द मेन टॉपिक व्हाई इट इज कॉल्ड C++ कि C++ को C++ क्यों कहा जाता है, राइट। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। छोटा सा हिस्ट्री है, छोटा सा इतिहास है, बट इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ C++ के बारे में कि C++ वाज डेवलप्ड इन 1979। इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था C के ठीक एक साल के बाद। 1979 में दिस लैंग्वेज वाज डेवलप्ड और डेवलप किया था बर्जिनो स्ट्रोस्ट्रप ने। द नेम ऑफ दिस पर्सन जिन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था बर्जिनो स्ट्रोस्ट्रप। और जिस कंपनी के लिए इसको डेवलप किया गया है दैट इज AT&T बेल लैब USA के लिए, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। So this is the same company जहां पर C डेवलप हुई थी। तो एक्चुअली C++ क्या है, इट इज अ सुपर सेट ऑफ C, जिसको हम बोलते हैं इट इज अ सुपर सेट ऑफ C लैंग्वेज, राइट। कि यदि हम C++ को डिफाइन करते हैं तो आप देखिए एक्चुअली हम C++ को क्या बोलते हैं। C++ इज इक्वल टू C विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और यही इसका इनिशियल नेम भी था कि जब एक्चुअली C++ मार्केट में आई थी तो इट इज कॉल्ड C विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Somewhere it is called C with object, right? तो लेटर ऑन फिर इस लैंग्वेज के नाम को चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया C++। लेकिन क्यों, why ++, right? तो अब देखिए C++ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इट सपोर्ट द कंप्लीट फीचर्स ऑफ C लैंग्वेज। तो C में एक ऑपरेटर होता है, जैसे मान लो अगर C में एक वैल्यू है 10, ठीक है, सो देयर इज एन ऑपरेटर कॉल्ड ++, जिसका मतलब होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय 1। मतलब यदि A की वैल्यू 10 है एंड इफ आई यूज A++ एंड देन आफ्टर अगर मैं A को प्रिंट करता हूं या A की वैल्यू देखूंगा सो आई विल गेट द वैल्यू 11 हियर। तो यहां ये जो ++ ऑपरेटर है एक्चुअली ये ++ ऑपरेटर इंडिकेट करता है इंक्रीमेंट को, राइट। कुछ बड़ा है, कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहां भी आप देखिए क्या हुआ है, एक लैंग्वेज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उस लैंग्वेज में सारे फीचर्स हैं और उसमें एक नया फीचर ऐड हुआ है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो सी में इंक्रीमेंट हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, एंड दैट्स व्हाई दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड C++। ये जो ++ ऑपरेटर है ये इसी कारण से इसको बोला जाता है। और अब देखिए ये तो C++ के नाम की बात है, लेकिन अगर आप किसी भी लैंग्वेज के नाम की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। जैसे जावा को जावा क्यों कहा जाता है, एक्चुअली जावा का मीनिंग, जावा जो है इट इज अ आइलैंड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसका नाम जावा आइलैंड है, एंड दैट आइलैंड इज फेमस फॉर बीन्स ऑफ कॉफी। कॉफी के जो बीज होते हैं फॉर दैट आइलैंड इज फेमस। तो उसी आइलैंड के नाम पे इस लैंग्वेज का नाम रखा गया है जावा लैंग्वेज। और जावा का जो सिंबल है वो भी है कॉफी का कप, राइट। तो ये जावा की हिस्ट्री है। पाइथन को पाइथन क्यों बोलते हैं, तो पाइथन को पाइथन बोलने के पीछे रीजन है मॉन्टी पाइथन सर्कस नाम का एक सीरियल। उस सीरियल के नाम पे इस लैंग्वेज का नाम रखा गया पाइथन। तो हर लैंग्वेज के कहीं ना कहीं अगर आप नाम की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड दिस वन, राइट। सी को सी क्यों बोलते हैं, तो सी को सी बोलने का रीजन है BCPL कि सबसे पहले ये था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। एक लैंग्वेज आई थी BCPL, तो BCPL को जब चेंज करके नई लैंग्वेज बनी तो दैट इसका पहला लेटर उठाया बी, और बी से जब अपडेट होकर लैंग्वेज बनी सो दैट इज कॉल्ड सी। तो ये है सी को सी बोलने का रीजन। और C++ को C++ क्यों बोला गया, दिस इज द रीजन कि व्हाई इट इज कॉल्ड सी प्लस प्लस। तो कोई भी लैंग्वेज का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे नाम की तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री है। स्प्रिंग एक टेक्नोलॉजी अगर आपने सुनी है तो व्हाट इज कॉल्ड स्प्रिंग, तो ये समर सीजन के हिसाब से इसको बोला जाता है क्योंकि स्प्रिंग को कंपेयर करते हैं ईजेबी के साथ, तो वहां पर कंपेरिजन के कारण दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड स्प्रिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो देयर इज अ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री अबाउट द नेम ऑफ द लैंग्वेजेस। तो आई होप आपको ये समझ में आए कि व्हाई दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड सी प्लस प्लस, राइट। अब इसके बाद अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और हम देखें तो C++ डेवलप होने के बाद 4 बार अभी तक अपडेट हो चुकी है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ फीचर एडेड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ C++। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो लैंग्वेज में डेवलपमेंट के बाद ऐड हुए हैं। ठीक है, C++ वाज एडेड, C++ चेंज हुई 2011 में। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया C++11, 2011, 2014, 2017, 2020 इस लैंग्वेज को मल्टीपल टाइम अपडेट किया गया है और इसमें नए नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, सो दिस लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज C++ 11, 14, 17, 20 and just because of its updation, right? And see there is a difference between C++ and VC++. C++ जो है it is basically a console based programming language while VC++ is a graphical visual C++. कि जब ग्राफिकल एप्लीकेशन की बात होगी सो वी विल गो फॉर विजुअल सी प्लस प्लस। जब भी किसी लैंग्वेज के आगे वी लग जाता ना, वीबी, ठीक है, विजुअल बेसिक, वीसी प्लस प्लस, ठीक है, विजुअल सी प्लस प्लस, फॉक्स प्रो के आगे अगर वी लिखा हुआ है वी फॉक्स प्रो, विजुअल फॉक्स प्रो, राइट। सो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड विंडोज बेस्ड वर्जन, यू कैन से दैट। ठीक है, ग्राफिकल वर्जन, विंडोज वर्जन, ये आया वीसी प्लस प्लस। तो देयर इज अ डिफरेंस, ये कंसोल बेस है और ये विजुअल ग्राफिकल बेस्ड एप्लीकेशन है। हालांकि C++ में भी हम ग्राफिकल बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, बट दिस इज बेसिकली ए कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को अटेंड किया तो यू नो वेरी वेल कि C++ को कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, ये हमने बात की थी। इट इज बेसिकली ए CUI। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर, CUI एंड GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो C++ इज बेसिकली ए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस लैंग्वेज। जब हम C++ में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट एक कंसोल स्क्रीन पे मिलेगा एंड दैट्स ऑल द रीजन दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फाइल जब हम विजुअल लैंग्वेजेस में काम करते हैं तो वी हैव अ ग्राफिक्स देयर, वहां पर ग्राफिकल एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, वहां पर हम ग्राफिक्स वे में काम करते हैं, जैसे अगर आप पेनब्रश को देखें, ठीक है, तो पेनब्रश इज अ ग्राफिकल टूल। लेकिन C++ में जब हम कोड लिखेंगे तो इनिशियली वी विल गेट द रिजल्ट्स इन द कैरेक्टर फॉर्मेट की एक ब्लैक कलर की स्क्रीन है जिस पे कैरेक्टर फॉर्मेट में हमें रिजल्ट मिलेंगे एंड दैट्स द रीजन दिस इज कॉल्ड CUI लैंग्वेज, इट्स अ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि व्हाई दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड C++, इसकी हिस्ट्री क्या है। और अभी जब हम डेफिनेशन पे आएंगे तब तो बात करेंगे, बट हम ये बोलते हैं C++ इज अ लैंग्वेज हु सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। देखिए, अब कोई भी लैंग्वेज अगर है तो वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, या तो वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और इन दोनों के बीच में भी एक बात होती है ऑब्जेक्ट बेस्ड, तो बात करेंगे इसकी डिफरेंसेस की। बट जब हम C++ की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आप देखिए एक्चुअली मैंने आपको क्या बोला है, इट इज C विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब है C++ में वो सारे फीचर्स हैं जो C में है एंड C इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो यहां यह नहीं किया गया है कि C के प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट को हटा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट लाया गया है, एक एग्जिस्टिंग लैंग्वेज में चेंज किया और उसमें नए फीचर ऐड करे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, सो दैट ऑल द फीचर्स ऑफ C सपोर्टेड बाय C++। रिमेंबर दिस थिंग, जैसे जावा जो है इट्स ए न्यू लैंग्वेज, जावा किसी लैंग्वेज में एड ऑन होकर डेवलप नहीं हुई है, तो इसीलिए बोलते हैं जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन C++ जो है वो C से एक्सटेंडेड होकर लैंग्वेज डेवलप हुई है कि एक एग्जिस्टिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स को ऐड किया गया है एंड दैट्स व्हाई वी से दैट कि C अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड है, ठीक है, अगर C प्रोसीजर ओरिएंटेड है तो ऑब्वियसली बात है C++ सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर। तो जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तब हम यही डेफिनेशन देते हैं, दिस इज अ लैंग्वेज व्हिच इज अ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है C++ का, क्यों डेवलप किया गया, कब डेवलप किया गया। तो इसको डेवलप करने का केवल एक ही रीजन था और वो था C का प्रोसीजर ओरिएंटेड होना। और यहां रिक्वायरमेंट थी एक ऐसी लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में वर्क करे, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को सपोर्ट करे। ठीक है। तो दैट्स फॉर द रीजन सी में एक्सटेंशन किया गया, सी को एक्सटेंड किया गया और इसमें फीचर्स ऐड किए गए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। लेकिन अगेन द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग कि सी के फीचर्स को हटाया नहीं गया है। तो सी प्लस प्लस इज अ लैंग्वेज विच इज बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट यस सी प्लस प्लस इज मोस्टली यूज फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। हम जब C++ को पढ़ेंगे तो दोनों थॉट से पढ़ेंगे। मैं आपको इसमें प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट भी बताऊंगा, मैं आपको इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट के भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन C++ को पढ़ने का जो मेन रीजन है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि अगर आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉर्म में ही कोडिंग करना है तो फिर तो C ऑलरेडी है, देन व्हाई वी शुड गो फॉर C++। तो हम C++ में आए ही इसीलिए हैं, हम C++ को पढ़ ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें मेनली कवर करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स। ये क्या फीचर्स हैं, क्यों हैं, ये सारा डिस्कशन होगा हमारा, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्या डिफरेंस है प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन आज हमने जो डिस्कस किया वो थी हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने आज बात की कि सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड इन 1979, डेवलप्ड बाय बर्जनो स्ट्रोस्ट्रप। जिस कंपनी के लिए डेवलप किया गया था वो था AT&T बेल लैब यूएसए, विच इज एक्चुअली कॉल्ड अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी, ठीक है। और व्हाई इट इज कॉल्ड सी प्लस प्लस, ये हम लोगों ने देखा कि व्हाई इट इज कॉल्ड सी प्लस प्लस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी, और इस ऑपरेटर के कारण हम इस लैंग्वेज को बोलते हैं सी प्लस प्लस। लेकिन इनिशियली जब ये लैंग्वेज मार्केट में आई थी तो इट वाज कॉल्ड सी विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट लेटर ऑन द नेम चेंज्ड विद सी प्लस प्लस। ओके, देन हम लोगों ने बात की कि आफ्टर डेवलपमेंट सी प्लस प्लस फोर टाइम इट चेंज। सी प्लस प्लस 11, 14, 17, 20 मल्टीपल टाइम इस लैंग्वेज में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड वीसी प्लस प्लस। VC++ एक्चुअली C++ की एक्सटेंडेड लैंग्वेज है जो कि ग्राफिकल एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन हुई है, ठीक है। हम बोलते हैं इट इज अ डॉस बेस्ड लैंग्वेज, इट इज अ विंडोज बेस्ड लैंग्वेज। कि C++ अगर आपके पास डॉस भी है सो दैट यू कैन इजीली रन C++ इन योर मशीन, बट फॉर VC++ विंडोज इज कंपलसरी रिक्वायर्ड बिकॉज इट्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन। जहां पर ग्राफिकल एप्लीकेशन की बात होगी वहां पर हम बेसिकली VC++ को यूज करते हैं। And this is a DOS-based language, CUI language, character user interface, and it is called graphical user interface. So this is what the difference की जो हमने बात की यहाँ पे कि C++ और VC++ में क्या difference है। So this is what we discussed in this lecture. हमने थोड़ी history के बात की, इतिहास के बात की, language को ऐसा क्यों कहा गया है, why it is called C++, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। क्योंकि कोई भी language अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहले थोड़ा सा उसका इतिहास समझ लेना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, ताकि पता तो चले कौन है ये जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो ये हमने बात की अभी हिस्ट्री के बारे में। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया है, और यदि समझ में आया है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि आगे तो शुरुआत है, अभी रास्ता काफी लंबा है। तो चलेंगे साथ में और पहुंचेंगे अपनी मंजिल की ओर। बने रहिए इस कोर्स में और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात। Till then, take care. Bye bye.